जिदे जीना ना पे आज आपको लोगों को एक फल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फल वही फल है, इसको अरबिक में कहते हैं तीन। और ये तीन का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह तीन वह जैतून। तो ये वाला जो फल है ये इसे तीन कहते हैं। और वह देखिए, ये जैतून का तेल है यहाँ पर, और इसे कहते हैं वह तीन वह जैतून और इसे इनीन। तो ये वही फल है कुरान शरीफ में जिसका इस्तेमाल किया गया है, वह तीन। तो इसे कहते हैं तीन। और देखिए मैं कहाँ पर हूँ, मस्जिद जीराना पर। देखिए मस्जिद जीराना एक ऐसी मिकात है जो कि हरम शरीफ में आपको उमरा करने के लिए अगर मक्का में रहते तो मस्जिद जीराना आना आपका बहुत ही ज़रूरी और लाजमी है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के अगर अहराम बांधते हैं, यहाँ से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहराम बांधा था और उमरा किया था, तो यहाँ से एक बड़ा उमरा होता है। क्योंकि ये जो मस्जिद जीराना है हदूद हरम के बाहर है, तो आप लोग भी यहाँ पर आकर के अहराम बांधे। अगर मक्का के अंदर है तो आयशा मस्जिद में ना बांधे। आयशा मस्जिद स्पेशली लेडीज़ के लिए है, जो खातिन है खातिन के लिए आयशा मस्जिद है, जहाँ से खातिन जो है नमाज यानी अहराम जो उनके जो लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं यानी कि उम्रह करने के, तो वो वहाँ से बांध कर जा सकती हैं, कपड़े पहन कर जा सकती हैं। मर्द हजरात के लिए स्पेशली उन्हें यहाँ आना चाहिए।